हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और ज़बरदस्त वीडियो के अंदर। मैं हूं मुकेश चौधरी और आज आपके लिए लेकर एक शानदार बना हुआ डुप्लेक्स विला जो कि बहुत ही शानदार रेट में और बहुत ही शानदार लोकेशन में होने वाला है। सबसे पहले अपन लोकेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। तो लोकेशन जो है गांधीपथ वेस्ट पर हम आज लोग खड़े हैं, और अगर बात करूँ मेन वेस्टाइल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर, और मैन अगर मैं गांधीपथ की बात करूँ मेन रोड्स की, तो आप इधर की तरफ एक बार कैमरा मैन दिखा दीजिए। यहाँ से मुश्किल से 20 मीटर दूर आपको जो है गांधीपथ रोड यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अगर मैं मेन पुलिया से बात करूँ तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास मेन पुलिया यहाँ पे पड़ता है। तो एक बार फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे दिखा दीजिए, कितना खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे डुप्लेक्स विला बना हुआ है, जो कि नीचे की तरफ एक रूम, ऊपर की तरफ 2 बेडरूम यहाँ पे दिए गए। अपन यहाँ पे टूर करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। तो सबसे पहले देखिए सामने की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके लैंप लगा के यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है, जहाँ की नेम प्लेट जो है लगा के आप बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अंदर की तरफ अगर जैसे एंटर करेंगे तो जो मेन गेट है, मेन डोर, बहुत ही मजबूत आयरन का गेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि शानदार डिज़ाइन के साथ यहाँ पे आपको बना के दिया गया है। फिर बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, तो यहाँ पे जो है पोर्च का एरिया यहाँ पे आ जाता है। पोर्च के एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एक आराम से इजीली आपकी सेडान कार आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। इधर की तरफ भी एक अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है, जिसमें भी आप अपने हिसाब से कोई भी ग्रीनरी वगैरह, कोई प्लांटेशन वगैरह जो है इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। इधर की तरफ जो है जो विंडो जो दिया गया, ग्लास का जो विंडो दिया गया, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे अंदर की तरफ ग्रिलिंग करके इसको दिया गया, जो कि खूबसूरत लुक यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इस वॉल पे भी जो है यहाँ पे भी टाइल्स का वर्क किया गया है, देख पा रहे हैं इतनी शानदार तरीके से इसको भी यहाँ पे अरेंज करके आपको दिया गया है। एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पोर्च के एरिया में, तो उधर की तरफ आप दिखा सकते हैं एक बार कैमरामैन जी, वहाँ पे जो है वाटर टैंक का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6 से 7 हज़ार लीटर की कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आइए अपन बढ़ते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे 2 स्टेप से आपको जो है एंट्री यहाँ पे मिल जाती है। फर्स्ट में आप देखते हैं तो यहाँ पे जाल का एक जो है गेट आपको मिलता है, साथ ही साथ जो मेन जो गेट है एंट्रेंस का, वो कुछ इस तरीके से सनमाइका के साथ डिज़ाइन करके आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अपन जैसे एंटर करते हैं तो डाइनिंग ड्राइंग एरिया का स्पेस यहाँ पे आ जाता है। डाइनिंग ड्राइंग एरिया के स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाल के आपको दिया गया है। साथ ही साथ इधर की तरफ बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे थीम के वर्क यहाँ पे किया गया है, जो कि वॉलपेपर का काम है, बहुत ही प्यारा काम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। वो जो लैंप्स वगैरह लगा के यहाँ पे दिए गए हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल लुक के साथ यहाँ पे तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ फॉल्स रिंग का भी एक बार नज़ारा दिखा दिए, फॉल्स रिंग भी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे दी गई। अंदर की तरफ जो LED लाइट्स लगा के बहुत ही प्यारे लुक के साथ यहाँ पे डिजाइन किया गया है। फैन का जो लुक है वो भी बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। डाइनिंग ड्राइंग एरिया के इधर की तरफ अपन देखते हैं तो स्टेयर्स के नीचे की तरफ यहाँ पे फुली वुडन का काम आपको करके दिया गया है। TV पैनल का बहुत ही प्यारा स्पेस यहाँ पे निकाला गया, इसमें बड़े से बड़ा किंग साइज TV जो है आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ इधर की तरफ ग्लास लगा के एक स्पेस दिया गया, जिसमें कुछ सामान वगैरह जो है आप स्टोर यहाँ पे कर सकते हैं। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी स्टोर की तरह यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है, जिसमें कि आप इन्वर्टर वगैरह इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ साथ कुछ सामान वगैरह रखना चाहें तो वो भी आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपन डाइनिंग ड्राइंग एरिया के इधर की तरफ, तो यहाँ पे जो है किचन का लुक आपको देखने को मिलेगा। किचन के लुक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन देख पा रहे हैं। एंट्रेंस पे आपको इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन मिलेगी, यहाँ पे जो स्पेस देके यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख भी आप सकते हैं, डिजाइनर लुक आप इसको तैयार यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अंदर की तरफ जैसे अपन आते हैं तो L शेप में यहाँ पे जो है किचन का स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ जो अगर मैं बात करूँ ग्रेनाइट का टॉप लगा के साथ साथ टाइल्स का वर्क यहाँ पे किया गया है, जो कि इजीली जो है खाना वाना बनाते हैं तो आप छींटे वगैरह लगते हैं तो इसको इजीली यहाँ पे वॉश आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ रेक्स वगैरह की, तो यहाँ पे पूरा हाइड्रोलिक जो है रेक्स वगैरह का यहाँ पे काम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चिमनी वगैरह लगा के पूरा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन आपको किया गया है। मैं इधर की तरफ से जो बता रहा था बाहर की तरफ से, कुछ इस तरीके से ग्रिलिंग लगा के यहाँ पे दिया गया, साथ साथ यहाँ पे विंडो का ही प्रोविजन मिल जाता है, जिससे कि वेंटिलेशन होता रहे, सफोकेशन ना बने यहाँ पे। जब भी आप खाना वाना बनाए तो इजीली आप यहाँ पे एंजॉयमेंट के साथ खाना बना सकते हैं। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी स्पेस मिलता है, जिसमें आप जो अपना फ्रिज है, बड़े से बड़ा फ्रिज इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 बेडरूम में आपको जो है ये डुप्लेक्स दिखाने वाला हूँ। 1 बेडरूम नीचे है, 2 बेडरूम जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ बने हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे अपन बेडरूम में एंटर करेंगे, उससे पहले यहाँ पे कॉमन वॉशरूम का लुक आपको देखने को मिलेगा। कॉमन वॉशरूम की साइज की बात करूँ, बहुत ही प्यारी साइज यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ जो टाइल्स का कॉम्बिनेशन जो दिया गया है, बहुत ही प्यारा टाइल्स का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। और जो अगर मैं बात करूँ कंपनी फिटिंग्स वगैरह की, तो यहाँ पे सेरा जैसी कंपनी की आपको फिटिंग्स यहाँ पे दिखाई देने वाली है। इधर की तरफ देखते तो यहाँ पे हैंड वॉश के लिए कुछ ऐसा प्रोविजन आपको बाहर की तरफ से देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं फिर रूम के अंदर, तो रूम की अगर मैं साइज की यहाँ पे बात करूँ, रूम की साइज जो है वो मिलने वाली है आपको लगभग 14x12 के आसपास की साइज जो है यहाँ पे आपको रूम साइज यहाँ पे मिलने वाली है। इस रूम में अगर मैं बात करूँ, उधर की तरफ एक बार दिखा दीजिए, जो वॉलपेपर का जो काम किया गया है, बहुत ही प्यारा वॉलपेपर का काम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। AC फिटिंग की बात करूँ, प्रॉपर आपको हर जगह AC फिटिंग मिल जाती है, जहाँ AC फिटिंग की नीड है। साथ ही साथ फॉल्स सीलिंग के डिज़ाइन
जो है वो भी बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इस तरफ एक स्पेस यहाँ पे बना के दिया गया है जो कि ड्रेसिंग के हिसाब से आप जो है इसको इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। सामने की तरफ इस रूम में आपको बहुत अच्छा एक स्पेस दिया गया है टीवी पैनल के लिए, मतलब इसमें भी आप देख पा रहे हैं तो बड़े बड़े से बड़ा टीवी आप जो है इसलिए जो है इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ कबर्ड्स के लिए आप हमेशा हमें कहते रहते कि कबर्ड्स सर कम है, देख पा रहे हैं आप पूरा ऊपर की तरफ से जो है कंप्लीट यहाँ पे कबर्ड्स का काम किया गया है। साथ ही साथ नीचे की तरफ भी यहाँ पे जो है डबल कबर्ड्स आपको दी गई है। सनमाइका जो है वो देख पा रहे हैं कितनी प्यारी सनमाइका के साथ यहाँ पे कबर्ड्स का काम किया गया है। ऊपर इतनी कबर्ड्स है कि कोई भी एक्स्ट्रा जो आपके कपड़े वगैरह है सर्दियों वगैरह के कपड़े जो है वो ईजिली आप यहाँ पे रख सकते हैं, इतना स्पेस यहाँ पे मिलता है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी स्पेस निकाला गया है जिस स्पेस में जो है आप अगर चाहें तो जैसे कोई पूजा रूम टाइप में बनाना चाहें या फिर अगर जैसे स्टोर रूम टाइप में बनाना चाहें वो भी आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। फिर देखते हैं अपन इधर की तरफ तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा विंडो का प्रोविजन मिल जाता है जिससे कि अगर आप एसी वगैरह ना लगाएं कूलर लगाना चाहें तो इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। पीछे की तरफ जो है यहाँ पे वाटर सप्लाई भी यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ जो है यहाँ पीछे की तरफ एक बार दिखा दीजिए स्पेस बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। इसको ऊपर की तरफ से जाल से कवर किया गया है जिससे कि सनलाइट जो है प्रॉपर यहाँ पे बनी रहे। तो फ्रेंड्स हमने देखा अभी एक अपन ने बेडरूम देखा नीचे की तरफ, साथ साथ में अपन ने डाइनिंग ड्राइंग एरिया देखा, किचन का स्पेस हम देख चुके हैं। ऊपर की तरफ हम चलते हैं वहाँ जो मैं बता रहा था कि दो बेडरूम जो है वहाँ बने हुए उन दोनों बेडरूम का लुक अपन देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेयर्स का कुछ लुक है कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टेयर्स का लुक यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ में एसएस की जो रेलिंग लगा के बीच में टफन ग्लास यहाँ पे दिया गया है। इधर एक बार आके दिखा दीजिए कुछ इस तरीके से लुक आपको मिलता है। साथ ही साथ फुट लैंप्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे मिलते हैं जो कि एक बार दिखाते हुए लेके आइएगा। ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पे एक अच्छा स्पेस मिल जाता है जो कि एक लिविंग एरिया के हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वॉलपेपर की डिज़ाइन की बात करूँ कुछ गोल्डन थीम एंड वाइट थीम के अंदर यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन के साथ जो है वॉलपेपर का काम आपको देखने को मिलेगा। लैंप्स वगैरह की जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारी प्यारी, साथ साथ फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है वो भी बहुत खूबसूरत फॉल सीलिंग की डिज़ाइन, फैन की डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं वो भी बहुत प्यारी यहाँ पे आपको लगा के दी गई है। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स जो है कुछ इस तरीके से इधर से स्टेयर मिल जाती है। साथ साथ में ऊपर की तरफ भी जो है छत पे भी डिजाइन का जो काम किया गया है वो भी एक बार आके दिखा दीजिए। बहुत ही प्यारा डिजाइन जो है वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं हम जो पीछे जो रूम है उस रूम की तरफ देखते हैं कैसे यहाँ रूम का डिजाइन यहाँ पे किया गया है। उससे पहले यहाँ पे जो अटैच वॉशरूम है उसका लुक दिखा दीजिए। साइज जो है बहुत प्यारी साइज है, साथ साथ में टाइल्स वगैरह का वर्क भी बहुत प्यारा है, वेंटिलेशन का पूरा प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। फिटिंग मैंने जैसे बताई सेरा जैसी कंपनी आपको यहाँ पे फिटिंग मिलने वाली है। रूम साइज वही है नीचे जैसे रूम था लगभग 14x12 के आसपास की साइज जो है आपको इस रूम में मिलने वाली है। कवर्ड्स का स्पेस जो है आप देख पा रहे हैं इसमें भी सेम वैसे ही बहुत अच्छा प्यारा स्पेस यहाँ पे दिया गया पूरा ऊपर और दोनों तरफ कवर्ड्स और बीच के अंदर टीवी पैनल का स्पेस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। इधर देखते हैं तो बहुत ही प्यारा वॉलपेपर का काम यहाँ पे किया गया है, साथ ही साथ फॉल सीलिंग का वर्क भी जो है बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इधर की तरफ एक विंडो का प्रोविजन है और पीछे की तरफ सेम जैसे मैंने नीचे की तरफ दिखाया था ठीक वैसे ही जाल यहाँ पे लगा हुआ, ऊपर की तरफ फाइबर लगा के यहाँ पे दिया गया है जिससे कि सनलाइट जो है प्रॉपर आपको यहाँ पे मिलती रहे। बढ़ते हैं अपन लास्ट जो थर्ड बेडरूम है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसका लुक भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे 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 क्या जो है ये बना हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लगभग ये रूम साइज जो है लगभग 12x14 के आसपास की रूम साइज है। अगर प्रॉपर इधर की तरफ देखते हैं तो लगभग 12x12 के आसपास इधर की तरफ से निकल कर आता है क्योंकि इधर अटैच वॉशरूम यहाँ पे दिया गया है जो कि अटैच वॉशरूम का एक बार अंदर से लुक दिखा दीजिए वो भी बहुत प्यारी साइज में आपको जो है अटैच वॉशरूम यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया वेंटिलेशन का यहाँ पे पूरा प्रॉपर ध्यान रखा गया है और हर एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज यहाँ पे करके आपको दी गई है। सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक टीवी पैनल का यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। अंदर की तरफ वॉलपेपर लगा के इसको बहुत ही डिजाइनर लुक के साथ यहाँ पे तैयार किया गया है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ड्रेसिंग का स्पेस भी जो है आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल जाता है। मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी होना जरूरी है, ड्रेसिंग का स्पेस भी होना जरूरी है, टीवी पैनल भी होना जरूरी है, साथ ही साथ कवर्स का भी होना जरूरी है। तो इधर की तरफ बेड का एक बार डिजाइन दिखा दीजिए कितना प्यारा बेड का डिजाइन भी आपको देखने को मिलेगा और सामने की तरफ जो वॉलपेपर है वो भी बहुत प्यारा तरीके से यहाँ पे बना के दिया गया। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग भी एक बार दिखा दीजिए। कबर्ड जैसे मैंने बताया आपको इधर की तरफ चूंकि मास्टर बेडरूम है हर एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए तो कबर्ड्स का भी स्पेस अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाल के दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर इधर की तरफ विंडो आपको जो मिल जाती है और अगर मास्टर बेडरूम है तो भैया बालकनी भी होना जरूरी है तो बालकनी का भी एक बार जो है स्पेस अपन यहाँ पे देख लेते हैं। बालकनी का भी अच्छा एक स्पेस यहाँ पे निकाल के दिया गया है। बात करें अगर यहाँ पे तो एसएस की रेलिंग के साथ टफन ग्लास यहाँ पे लगा के दिया गया है और ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कुछ वुडन स्ट्रक्चर में यहाँ पे काम आपको दिखाई देने वाला है।
तो फ्रेंड्स, हमने देखा अभी तक ये जो डुप्लेक्स जो बना हुआ है, विला जो बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसकी साइज की बात करूँ तो प्रॉपर जो इसकी साइज होने वाली है वो होने वाली है 15x55 की। यहाँ पे साइज होने वाली है लगभग 92 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी प्राइस की तो 77 लाख एज इट इज आपने देखा उसकी यहाँ पे प्राइस होने वाली है। बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। लास्ट में वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फेसबुक पेज पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि वैसे ही जबरदस्त प्रॉपर्टी की वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाकी चीज़ें जो है डिटेल में आपको जो है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, बिल्डर के नंबर जो बिल्डर के प्रतिनिधि है उनके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, अधिक जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार।